अजय देवगन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म टोटल धमाल को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं। इनकी ये फिल्म कल यानी 22 फरवरी को सिल्वर स्क्रीन पर रिलीज होने वाली है और अजय भले ही इस फिल्म का पहली बार हिस्सा बने हैं लेकिन इनके फैंस इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। लेकिन इसी बीच अजय देवगन के फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है। दरअसल अजय की एक बड़ी फिल्म पर ताला लग गया है और इस खबर को सुनकर अजय के फैंस का दिल टूट सकता है। दरअसल अजय ने कुछ टाइम पहले ऐलान किया था कि वो बैटल ऑफ सारागढ़ी पर बेस्ड एक फिल्म बनाएंगे जिसका नाम सन ऑफ सरदार 2 होगा। ये लड़ाई इंडियन हिस्ट्री की सबसे यादगार लड़ाइयों में से एक है जिसमें 21 सिख सैनिकों ने 10,000 अफगानियों से युद्ध किया था। लेकिन अब अजय ने सन ऑफ सरदार 2 पर ब्रेक लगा दिया है। जी हाँ, और इस बात का खुलासा खुद अजय देवगन ने किया। दरअसल टोटल धमाल के प्रमोशन के टाइम अजय ने इस बात का खुलासा किया कि वो अब सन ऑफ सरदार 2 पर काम नहीं कर रहे हैं। अजय ने बताया कि हमारी टीम काफी टाइम से सन ऑफ सरदार 2 पर काम कर रही थी लेकिन वो आइडिया वर्क नहीं कर पाया इसलिए हमने उसे छोड़ दिया। उसकी जगह अब हमने तानाजी द अनसंग वॉरियर बनाने का फैसला किया है जिसका फाइनल शेड्यूल हम जल्द ही शूट करेंगे। आपको बता दें कि अजय ने जब सन ऑफ सरदार 2 का ऐलान किया था तब उन्होंने बताया था कि इस फिल्म को वो बहुत बड़े लेवल पर बनाना चाहते हैं जिसके लिए काफी तैयारियों की जरूरत होगी। फिल्म में काफी सारा VFX वर्क होगा जिसके लिए बहुत बड़ी टीम की जरूरत है और अब लगता है कि मामला पोस्ट प्रोडक्शन वर्क पर ही अटक गया जिस वजह से अजय ने इस फिल्म को बनाने का आइडिया त्याग दिया है। वैसे आपको बता दें कि अजय भले ही इस फिल्म को नहीं बनाने वाले हैं लेकिन अक्षय कुमार करण जौहर के साथ मिलकर केसरी ला रहे हैं जो कि बैटल ऑफ सारागढ़ी पर ही बेस्ड है जिसका ट्रेलर अभी कुछ ही देर पहले रिलीज किया गया है और हो सकता है कि ये भी एक बात हो जिसकी वजह से अजय की टीम ने ये फैसला लिया हो क्योंकि एक साथ एक ही सब्जेक्ट पर दो फिल्में बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। वेल तो अब अजय के फैंस आप इस पर क्या कहना चाहेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। इंडिया बॉलीवुड वायरल की रिपोर्ट।